मैं हूं शिवम गीता कुरसे और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस समय हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है सारे स्टूडेंट्स के मन में कि कौन सा शेड्यूल उनको बेस्ट सूट करेगा पढ़ाई करने के लिए। और ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर गीता पढ़ना चाहता है, अगर उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सिंपल सी बात, जब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो गीता भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बेस्ट शेड्यूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पढ़ाई करने के लिए। तो एक वीडियो में पहले हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि क्या हमारा पूरा लाइफस्टाइल रहना चाहिए जिससे हम स्टडी को एफिशिएंटली कर सके। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं स्टडी के लिए कौन सा बेस्ट टाइम चूज़ करना चाहिए। भगवद गीता में हमें डिस्कशन मिलता है तीन गुणों के बारे में। तीन गुण क्या चीज़ हैं? तीन गुण वो फोर्सेज हैं जो हम पर एक्ट करते हैं। इसके ऊपर कई मैथमेटिकल्स मॉडल्स भी प्रपोज हो चुके हैं, रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं जो ये डिस्कस कर रहे हैं कैसे इनका इफेक्ट होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। और स्पेशली देखा जाए कि इन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर समय के हिसाब से भी पड़ता है। और इन चीज़ों का मन में रखते हुए हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के वो प्रिंसिपल्स जो आपको लाइफ में हेल्प करेंगे। स्पेशली भगवद गीता में वर्स दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गीता पढ़ना चाहता है, योग का पालन करना चाहता है, तो उन्हें चार चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप आवबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कब सोना है और कब उठना है। और इन चीज़ों का अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान रखता है तो योग के पथ पर उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोने का समय रात में ही होना चाहिए। गीता के अनुसार हमारे बॉडी बहुत अच्छे से अलाइन होती है। अगर हम सत्व गुण में होते हैं तो हमारा हेल्थ ठीक रहती है, हमारा माइंड पीसफुल रहता है और हम बहुत अलर्ट रह पाते हैं इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये हमारी कॉन्शियसनेस को भी सूट करता है, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स मेडिटेशन के लिए भी बहुत सूटेबल रहते हैं और भगवद गीता की स्टडी के लिए भी। तो बेस्ट टाइम स्टडी करने के लिए सुबह ही है। और मैं इसके आर्ग्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि इंटरनेट पर भी आपको बहुत कन्फ्यूजन मिलेगा। तो रात में 10 से लेकर 4 का जो समय है, सुबह 4 बजे का समय, उसको बहुत आइडियल माना गया है सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और इस टाइम में हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म नेचुरली बहुत स्लो रहता है, जो कि आइडियल है स्लीप के लिए। किसी और टाइम हम सोने का प्रयास करेंगे, दिन में आप सबका भी अनुभव होगा सोने का, कई बार हम थके भी होते हैं लेकिन फिर भी इतने ड्रीम्स आ रहे होते हैं और मन भी शांत नहीं हो पा रहा होता है। तो स्लीप एक्चुअली हमें रेस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती है उस लेवल का। सबसे पहला रीज़न कि हमें सुबह का टाइम चूज़ करना चाहिए स्टडी के लिए और रात का टाइम चूज़ करना चाहिए सोने के लिए, वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी रीज़न की वजह से हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हॉस्टल का समय रात का बहुत ही ज़्यादा सोशल समय होता है जिसमें सब लोग एक्टिव रहते हैं। और उस समय पर अगर आप एक्टिव हैं, उस समय अगर आप जगे हुए हैं, तो बहुत चांसेस हैं आप सोशल एक्टिविटीज़ में ही अपना टाइम स्पेंड कर देंगे, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ का समय हम कभी और प्लान कर सकते थे, और अगर हमने वो समय स्टडीज़ के लिए निकाला था तो एक्चुअली वेस्ट हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा हमें शेड्यूल में। दूसरा रीज़न, सुबह के समय में कोई नहीं होता, कोई भी जगह नहीं होता। यूजुअली आज के समय में कॉमन प्रैक्टिसेस में कोई भी स्टूडेंट 4 बजे जगा हुआ मिल सकता है रात वाला, लेकिन जगता नहीं है कोई। तो अगर आप सुबह 4, 5 या 5:30, 6 तक भी अगर आप उठ जाते हैं, इतनी शांति आपको मिलेगी, आपको लगेगा आप अलग ही दुनिया में आ गए। पिन ड्रॉप साइलेंस और माइंड इतना फ्रेश, एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को। तो उस समय आप स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप नॉलेज सीख करेंगे, तो बहुत आइडियल समय रहता है। एक और रीज़न जिसकी वजह से हमें सुबह का टाइम चूज़ करना चाहिए स्टडी के लिए, वो ये है कि मॉर्निंग में सत्व गुण, जो कि गुण होता है पीस का, हैप्पीनेस का, नॉलेज का, अवेयरनेस का, वो प्रधान होता है। स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो सनराइज से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू हो जाता है, वही 4 बजे के आसपास। तो अगर आप वो समय चूज़ करते हैं तो नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो आपको इंस्पायर करेंगी नॉलेज सीख करने के लिए, नॉलेज एब्जॉर्ब करने के लिए। और अगर आप दिन में स्टडी करने का प्रयास करेंगे तो वो फोर्सेज इंस्पायर करती हैं एक्टिविटीज़, डिज़ायर्स, तो फोकस कर पाना और मुश्किल हो जाता है। और रात का टाइम ऐसा होता है कि नेचुरल फोर्सेज इंस्पायर करती हैं आपको पैसिविटी, स्लीपीनेस, इन एक्शन। इनफैक्ट रिसर्चेस एक लिंक दिखा रहे हैं कि जो भी लोग 12 बजे के बियॉन्ड सोते हैं या जगे रहते हैं,
उन लोगों का बहुत डीप कनेक्शन पाया गया है डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से। वो लाइफ में बस नेगेटिव्स पर फोकस करते रहते हैं। तो ये रिलेशनशिप कोइंसिडेंस नहीं है, ये भगवद गीता के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट, एक बहुत प्रैक्टिकल रीज़न जिसकी वजह से हमें सुबह ही पढ़ना चाहिए और रात में नहीं पढ़ना चाहिए जग जग कर, वो ये है कि ये शेड्यूल आप कहीं पर भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में भी, ज़्यादातर वर्किंग स्टाइल्स में भी हमारा जो शेड्यूल होता है काम करने का वो ऐसे ही रहता है कि दिन में हम काम करते हैं और रात में लोगों को ऑफ रहता है। तो इस शेड्यूल की वजह से आपका कभी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप समहाउ द अदर ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं रात में जगने का और सुबह सोने का, हो सकता है जैसे ही कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हो, आपका ऑफिस आवर शुरू हो, तब आप मेंटेन ना कर पाएँ और तब आपको बहुत डिस्टर्बेंस आए और ये हैबिट्स कई बार बहुत डीप बन जाते हैं हमारे अंदर। नेक्स्ट, उस समय जब अगर हम सुबह उठकर पढ़ रहे हैं तो ये नेचुरली भी इतना ब्यूटीफुल समय होता है, इतना शांत समय होता है। अगर आप सनराइज़ देखें, कुछ साल हो गए थे मुझे अपने कॉलेज में जब फाइनली मैंने ये चीज़ शुरू की थी, और मुझे याद है जब मैं सुबह उठना शुरू किया था, उगता हुआ सूरज देख पाना इतना रिफ्रेशिंग, इतना पॉजिटिविटी इंस्पायर कर रहा था मेरे हार्ट में। मुझे आज तक वो दिन अपना याद है जब मैं वो उगता हुआ सूरज देख रहा था अपने कॉलेज में, बहुत समय बाद। तो मैं भी आप लोगों को इंस्पायर करूँगा कि एक बार आप देखिए उस समय में उठकर, अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए, आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं उस समय और पढ़ाई कैसे हो पाती है। और इस पूरी चीज़ में मैं एक वार्निंग आपको देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी बॉडी यूज्ड टू नहीं होती है सुबह उठने के, तो शुरुआत में आपको स्लीपीनेस या एकदम नींद के जैसे झटके की तरह आ रहे हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय प्रैक्टिस करने से ये सब दूर हो जाएंगे। और एक और चीज़ जो इसमें बहुत हेल्प कर सकती है आपको, वो रात में हैवी ना खाएं। रात में आप हैवी खाएंगे सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उठ भी गए तो जगे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो रात में जो भी आप खाएं उसको लाइट ही रखें। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स थी और मैं डेफिनेटली इसी पर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुबह उठकर ही पढ़ें, रात में सो जाएं, रात सोने के लिए ही बनी हुई है, हमारी बॉडी की स्लीप साइकिल भी उसी से अलाइंड है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह उठिए, गीता पढ़िए और अपनी स्टडीज़ भी कम्प्लीट कीजिए। धन्यवाद।